हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हमने अपने सबसे छोटे से बाल गोपाल जी के लिए ये वूलन चोली बनाई है। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है और ये देखिए यहाँ से इसकी ये बाजू, ये देखिए। ये चोली हमने अपने सबसे छोटे बाल गोपाल 0 और 1 नंबर के लिए बनाई है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये चोली हमने कैसे बनाई। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं चोली हमने कैसे बनाई। ये देखिए, यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हम इस टाइप की वूल लेंगे। इस तरह की देखिए फ्री धागे वाली वूल है और 11 नंबर की हम यहाँ पर सिलाई यूज़ करेंगे, क्योंकि ड्रेस बहुत ही छोटी है, छोटी सी चोली बनेगी। और 10 नंबर की से भी हम बना सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर आप फंदे डाल लेते हैं। फंदे आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह से डाल सकते हो, जैसे आपको डालने आते हो। ये देखिए, इस तरह से सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे, इस तरह से फंदे डाल लेते हैं। और टोटल हम इसमें 12 फंदे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से 12 फंदे डाल लेते हैं, फिर दिखाएंगे। और हमने इसके 12 फंदे डाल लिए हैं, इस तरह से। ये इसकी नेक का बॉर्डर है, अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसकी फर्स्ट रो है। इसको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइट फंदे हमें नहीं डालने हैं। ये देखिए, हम इसको इस तरह से बनाएंगे उल्टा। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बना ली है, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे, इस तरह से। तो देखिए, पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसकी उल्टी साइड से सेकंड रो बनाएंगे। ये फंदा तो हमें ऐसे उतारना है, इसको नहीं बुनेंगे, इसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए, 2 सिलाइयां इसकी हमने उल्टी उल्टी बना ली है नेक के बॉर्डर की। धागा पीछे करेंगे और ये लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, 2 सिलाइयां हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब इसकी थर्ड रो बनाएंगे और इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये दूसरा फंदा, इसको भी उल्टा बनाएंगे। ये इसकी बॉर्डर है, जो बटन पट्टी है उसका बॉर्डर है। धागा पीछे करेंगे, धागा अपनी साइड ही रखेंगे। अब यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, अपनी साइड धागा रख के इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर एक जाली आ गई और ये फंदा सीधा बना लिया, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर धागा अपनी साइड रखेंगे और फंदा सीधा बुन लेंगे, इस तरह से। फिर से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी साइड, फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, फंदा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बुनते जाना है। धागा अपनी साइड रख के इसको बनाते जाएंगे और सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली डलती जाएगी। फिर धागा अपनी साइड, फिर जाली। ये देखिए, अब धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड पर आएंगे और उल्टी साइड से इसकी फोर्थ रो बना लेंगे। पूरी सिलाई इसकी उल्टी बना लेनी है उल्टी साइड से। ये इसकी फोर्थ रो है, इसको इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये लास्ट वाला फंदा है। धागा पीछे करके इसको हम सीधा बुन लेंगे।
तो इस तरह से इसके हमने चार सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए चार सिलाइयाँ इसकी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसकी फिफ्थ रो बनाएंगे सीधी साइड से, ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और इसके बाद पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे सीधी साइड से। ये देखिए ये इसकी फिफ्थ रो है, तो इसको हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से इसकी फिफ्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब इसकी उल्टी साइड पर है और उल्टी साइड से इसकी सिक्स्थ रो बनाएंगे। ये फंदा ऐसे उतारेंगे और पूरी सिलाई इसकी हम उल्टी बना लेंगे। ये देखिए धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से इसकी हमने छह सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब सातवीं सिलाई बनाएंगे और इसमें फिर से फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए अब इसके सेवंथ रो बनाएंगे सीधी साइड से, ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये फंदा उल्टा बुन लेंगे। दो फंदे हमने उल्टे बना लिए बटन पट्टी के बॉर्डर के, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे धागा अपनी साइड रख के, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड रखेंगे और ये दूसरी जाली। ये देखिए दो फंदे तो हमने उल्टे बनाए बॉर्डर के, बटन पट्टी का जो बॉर्डर है इसके, इसके बाद एक फंदा सीधा हो गया, तो तीन फंदे हो गए। तीन फंदे बनाने के बाद यहाँ पर एक जाली, ये फंदा सीधा बुन लिया, जाली बनाते हो तो एक जाली आ गई, ये दूसरी जाली, दो जाली हो गई, ये फंदा सीधा है, एक फंदा सीधा और बना लेंगे। दो फंदे सीधे बना लिए हमने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, फिर दो जाली बनाएंगे। देखिए धागा अपनी साइड है, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, दो जाली, दो जाली हमने यहाँ पर बना ली। लास्ट वाला फंदा सीधा है, एक फंदा सीधा और बनाएंगे। तो दो फंदे हमारे पास यहाँ पर सीधे हो गए, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, अब यहाँ पर दो जाली बनाएंगे, एक, फिर धागा अपनी साइड, दो, दो जाली बना ली। लास्ट वाला फंदा सीधा है तो एक फंदा सीधा है हमारे पास, एक फंदा और बनाएंगे। तो दो फंदे ये हो गए सीधे, फिर धागा अपनी साइड, दो जाली, एक, फिर धागा अपनी साइड, दो, लास्ट वाला फंदा सीधा है तो एक फंदा सीधा और बना लेंगे। दो फंदे हो गए लास्ट में हमारे पास, ये देखिए, फिर यहाँ पर दो जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड है, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड, ये दूसरी जाली, लास्ट वाला फंदा देखिए सीधा इस तरह से है तो एक फंदा सीधा और बनाएंगे। दो फंदे सीधे हो गए, अब लास्ट की जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे और इस धागे को यहाँ पर इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और ये लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह से इसकी हमने सेवंथ रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए सेवंथ रो में हमने इसके फिर से फंदे बढ़ा लिए। अब टोटल हमारे पास 31 फंदे हैं। अब कोई फंदा हम यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे। ये इसकी एट्थ रो है और देखिए इसको हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे, उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से इसको उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं।
अब देखिए इसकी सीधी साइड पर है और सीधी साइड से इसकी हम नाइन्थ रो बना लेंगे। ये पूरी सिलाई हमें इस तरह से उल्टी बना लेनी है। ये देखिए पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड है और नाइन्थ रो है। इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसकी हमने नाइन्थ रो कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से। अब इसकी उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से इसके हम टेंथ रो बना लेंगे। ये फंदा ऐसे उतारेंगे और पूरी सिलाई इसकी हम उल्टी बना लेंगे। ये इसकी टेंथ रो है और उल्टी साइड है। तो ये पूरी सिलाई हम इसकी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इसकी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम लेंथ आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरे 1 इंच है प्रॉपर। अब 10 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद इसमें हम आगे पीछे का पार्ट और बाजू इसकी अलग करेंगे। इसमें टोटल फंदे हमारे पास 31 है। अब देखना है कि इन फंदों को हमें डिवाइड कैसे करना है। ये सीधी साइड है और देखिए 11th रो है, तो दो फंदे तो हम उल्टे बना लेंगे बटन पट्टी के। ये देखिए दो फंदे हो गए उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो हो गए, तीन, ये फंदा सीधा बनाएंगे, दो उल्टे एक सीधा हो गया। अब इसको सीधा ही बनाएंगे तो एक फंदा हो गया ये सीधा और दो ये उल्टे, तो टोटल 3 फंदे हो गए। 4, 5 फंदे हमने फ्रंट साइड के बुन लिए। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे। अब बाजू के फंदे घटाएंगे, बहुत टाइट फंदा हमें नहीं घटाना है। तो ये देखिए इस तरह से दो फंदों का एक करेंगे, एक और ये दो, दो फंदों का एक फंदा कर लिया। ये देखिए तो दो का एक हो गया। ये फंदा वापस लेंगे, थोड़ा सा लूज ही हो, टाइट ना हो। एक फंदा कम हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं। धागा पीछे करेंगे। ये फंदा देखिए सिलाई में है, एक फंदा हो गया। अब इसकी बैक साइड के फंदे हम बुन लेंगे। एक फंदा तो है सिलाई में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए बैक साइड के। फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम 6 फंदे फिर घटाएंगे दूसरी बाजू के। दो फंदों का एक फंदा किया, फिर ये फंदा वापस लेंगे, फिर दो का एक किया, फिर फंदा वापस लेंगे, दो फंदे कम हो गए, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने यहाँ पर कम कर लिए। फिर धागा पीछे करेंगे। एक फंदा ये सिलाई में है, 2, 3 3 फंदे तो सीधे बुन लिए, धागा अपनी साइड लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, ये 10 फंदे हो गए और 9 फंदे हैं इसके बैक साइड के। तो टोटल यहाँ पर 19 फंदे हैं। फंदे घटाने के बाद हमारे पास 19 फंदे बचे हैं। अब इसकी हम ये देखिए उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये फंदा ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए 4 फंदे तो हमने इस तरह से बुन लिए। अब यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से, तो एक फंदा कम हो गया। देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ तक इनको हम इस तरह से बुनेंगे। ये इसकी 12th रो है और उल्टी साइड है। अब एक फंदा हम यहाँ पर कम करेंगे, इस साइड से भी लेंगे और एक फंदा इस साइड से।
तो दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, तो एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया, ये देखिए। बाकी सारे फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए 12th रो इसकी कंप्लीट हो गई है, और इसके आगे पीछे का पार्ट और बाजू इनको भी है हमने अलग कर लिया है, ये देखिए। ये देखिए अब इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। ये देखिए 12th रो इसकी कंप्लीट हो गई है, अब इसकी सीधी साइड पर है। एक फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब पूरी सलाई इसकी सीधी बुन लेंगे, 13 रो सीधी साइड से इसकी बनाएंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये 13 रो हमने इस तरह से इसकी कंप्लीट कर ली है। अब इसकी उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से इसकी 14 रो बना लेंगे। ये पूरी सिलाई इसकी उल्टी बनानी है। ये देखिए ये देखिए इसको हमने इतना बना लिया है, और इसके फंदे हमने घटा दिए हैं। इसको दिखाएंगे, ये देखिए प्रॉपर 1.25 इंच ये बनी है। इससे ज़्यादा चोली हमें नहीं बनानी है लंबी कान्हा जी के लिए, क्योंकि बहुत लंबी चोली की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो ये देखिए इस तरह से ये चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स ये देखिए आज हमने अपने सबसे छोटे बाल गोपाल जी के लिए ये वूलन चोली बनाई है, ये देखिए। ये देखिए यहाँ से इसकी बाजू, और बहुत ही छोटी सी चोली है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसकी बैक साइड थी और ये इसका फ्रंट है, ये देखिए।